हाय गाइस, क्या आप जानना चाहते हैं कि आपकी साइन ओके आपकी सन साइन जो भी है उसमें उसके हिसाब से आपकी लाइफ में क्या होने वाला है इस साल में 2022 में। हाय, मैं हूं प्रीति और इस वीडियो के साथ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं कि आपकी हेल्थ में क्या हो सकता है, आपके आपके मनी कैसे होने वाले हैं इस साल, कैसे आपके रिश्ते होने वाले हैं, लव लाइफ में आपको क्या ध्यान में रखना है, रिलेशनशिप में, करियर में, पर्पस में, स्पिरिचुअलिटी में क्या करना है, वो सब कुछ हम देखने वाले हैं। ओके, तो कोशिश कीजिए आप इस पूरे वीडियो को देखें शुरुआत से लेकर अंत तक ताकि आप इस पूरे वीडियो को समझ पाए। ओके, यस, चलिए शुरुआत करते हैं। तो आपकी हेल्थ के लिए सबसे पहले ये कार्ड दिखा रहा है। ओके, तो ये कार्ड कहता है कि काफी ज्यादा बातें कहता है। पहली बात ये है कि आपको कई बार अगर हेल्थ में आपको प्रॉब्लम्स है, अगर अगर किसी इंसान को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है, बहुत ज्यादा दुखों से कोई गुजर रहा है, तो वो इंसान अगर दान करता है, दान देता है, दान दक्षिणा करता है, तो उसका जो नेगेटिव कर्म का जो भार है, नेगेटिव कर्मों का जो इफेक्ट है, वो नलीफाई हो सकता है, वो टोटली निकल सकता है। ओके, तो यहाँ पर हेल्थ के लिए आपको, अगर आप हेल्थ में बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, तो ये कार्ड बता रहा है कि आपको दूसरों को डोनेट करना है, दूसरों को दान दक्षिणा देना है कि जिससे आपकी सेहत के ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप बीमार पड़ते हैं तो आप दान देने जाओ। ओके, बीमार पड़ते हैं तो पहले तो बीमारी से ठीक होना है, डॉक्टर के पास जाओ, अच्छी तरह से ठीक हो जाओ, फिर जनरली आपको इस साल काफी ज्यादा आपको डोनेशन करना है, लोगों की मदद कीजिए। हेल्थ के लिए आपको पता है कि जो अच्छा है सेहत सुधारने के लिए, वैसी चीजें दान कीजिए लोगों को, हेल्दी खाना दान कीजिए। ओके, गरीबों में आप कंबल बांट सकते हैं सेहत अच्छी रखने के लिए, उनको गर्माहट महसूस हो उसके लिए, तो वो चीज आप कर सकते हैं जिससे आपकी सेहत के ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। ओके, दान जितना करते हैं उससे आपकी सेहत पर अच्छा प्रभाव पड़ने वाला है इस साल। चलिए अब जानते हैं वेल्थ, मनी, पैसे, पैसे कैसे होने वाले हैं इस साल। तो सबसे पहला ये कार्ड है, ये कार्ड बताता है कि आपको जो करना अच्छा लगता है, पैसे कमाने के लिए जो भी आपको करना अच्छा लगता है, ऐसा कोई चुनाव आपको करना पड़ सकता है इस साल, कोई चुनाव करना पड़ सकता है। उसी के साथ साथ पैसे कमाने के लिए आप कुछ कर रहे थे, कोई ऐसा रास्ता था कि जो आपको जाने देना पड़ सकता है। ओके, मुझे पता है ये सुनने में काफी ज्यादा दुखदायी लग सकता है, लेकिन पॉसिबल है। ओके, कुछ बहुत ज्यादा कोई ऐसा कुछ रास्ता था कि जिससे आप पैसे कमा रहे थे, बहुत अच्छे से आप कमा रहे थे, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन आपको आपको उसको बाय बाय टाटा करना पड़ सकता है। ओके, उसके बाद देखते हैं आपके रिश्ते कैसे होने वाले हैं। ओके, रिश्तों में ये दोनों कार्ड्स हैं कि जो आपको ध्यान में रखने हैं। अब ये दोनों कार्ड्स की क्या खासियत है, इस बंदे को देखो कितना इंटेलिजेंट है। ओके, इसके दिमाग में बहुत ज्यादा विजडम, बहुत ज्यादा विवेक बुद्धि भरी है, लेकिन शांति से खड़ा है, शांति से पड़ा है, जहां पर भी है वहां। इस बंदे को देखो, देखो इसकी तलवार की धार देखो कितनी ज्यादा मजबूत, कितनी ज्यादा शार्प है उसकी तलवार। ओके, अच्छे से ठाट से तलवार लेकर बैठा है, लेकिन फिर भी शांति से बैठा है। ओके, अच्छी तरह से सतर्क होकर बैठा है, तो ऐसा आपको होना है अपने रिश्तों के साथ, कैसा होना है। ओके, दिमाग लगाना है, आपका दिमाग फुल्ली ऑन होना चाहिए जब किसी भी व्यक्ति के साथ आप डील करते हैं। ओके, और आपके डिफेंसेस, अपना डिफेंस ऑन रखना है रिलेशनशिप के साथ जब भी डील करते हैं, तब आप कहेंगे अरे यार ये तो कितनी गलत बात है। ओके, मतलब रिश्तों के साथ जहां पर इमोशनल कनेक्शन है वहां पर तलवार का क्या काम है। सी, यही चीज है इस साल, हो सकता है कि कुछ ऐसे लोग भी है, कुछ ऐसे रिश्ते भी है कि जिनको तलवार का डिफेंस भी दिखाना पड़ सकता है। ओके, तो जी हाँ, उसका ध्यान जरूर रखें। और एक और बात है कि कुछ रिश्ते ऐसे भी हो सकते हैं कि जहां पर आप कुछ नहीं कर सकते हैं।
कुछ नहीं कर सकते हैं, आप लाचार है, आप जो कहना चाहते हैं कोई सुनना भी नहीं चाहता है, ओके तो ये हो सकता है बिल्कुल, लेकिन जो भी है इस परिस्थिति को आप शांति से बैठकर देखो और समझो, अपना दिमाग लगाओ, वो ज्यादा जरूरी है इस साल रिश्तों में, ओके आप अपना स्मार्टनेस नहीं दिखाओ तो चलेगा, यस यहां पर देखो स्मार्टनेस है लेकिन उसे दिखाने की आवश्यकता भी नहीं है, यू डोंट नीड टू शो इट ऑफ, ठीक है, तो इसका ध्यान रखें। चलिए अब देखते हैं आपकी लव लाइफ में क्या हो सकता है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं, अगर आपके पास ऑलरेडी पार्टनर है तो हो सकता है कि आपका माइंड या दो दो लोगों में बट सकता है कि अरे यार मैं इसको चुनू या इसको चुनू, हो सकता है कि एक व्यक्ति ऑलरेडी आपके साथ है कि लेकिन आपकी नजर किसी दूसरे व्यक्ति पर भी है और आपको दोनों में कंफ्यूजन है कि भाई किसके और किसको हम फाइनल करके चुने, ओके ये एक प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरी बात, मान लो कि आपके माइंड में दो लोग नहीं है, एक ही व्यक्ति है, एक ही इंसान है, लेकिन उस इंसान को लेकर, उस रिश्ते को लेकर आपके मन में हो दो बातें हो सकती है, ओके अरे यार कि इनको हम, इनके साथ रिश्ता जारी रखें या फिर हम मूव ऑन करें, इनको हम आजाद कर दें ताकि वो अपने रास्ते जाए हम अपने रास्ते जाए, या कुछ और हो सकता है, लेकिन दो बातें हो सकती है जिसके आपका, जिसमें आपका माइंड बटा हुआ है, ओके ये हो गया अगर आप रिलेशनशिप में है। अगर आप सिंगल है तो क्या, सिंगल है तो है ना मतलब आप जाकर लोगों से मिलेंगे, आप रिश्ता बनाने की कोशिश करेंगे, वहां पर वापस दो कंफ्यूजन हो सकते हैं, ओके कौन सा कंफ्यूजन, ये इंसान बेहतर है कि ये इंसान बेहतर है, दो इंसान में कंफ्यूजन हो गया। मान लो कि इंसान में कंफ्यूजन नहीं है लेकिन प्रेफरेंसेस, आपको कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए, कैसे इंसान को चुनना चाहिए, ऐसे इंसान को चुने कि ऐसे इंसान को चुने, तो दो अलग अलग वापस ऑप्शन हो सकते हैं कि जिसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है, ओके तो यस वो एक चीज पॉसिबल है। तो यस जब भी आपको कंफ्यूजन होता है आप रिलेशनशिप में है या नहीं, इसका उपाय क्या है, ओके उपाय है कि आपको अपने दिल की सुननी है, दिल की सुननी है, अपने इंट्यूशन की सुननी है, ठीक है। चलिए अब करियर में क्या हो सकता है, क्या होने वाला है वो देखते हैं। तो ये वाला जो बंदा है ये आप देख सकते हैं कि ये कुछ सिखाने का प्रयास कर रहा है, हो सकता है कि आपको करियर में कुछ और ज्यादा नॉलेज सीखने की आवश्यकता हो सकती है, ओके कुछ और ज्यादा नॉलेज सीखने की आवश्यकता हो सकती है कि जिसको सीखने के बाद आपका जो डेजिग्नेशन है, आपको जो काम दिया जाएगा वो आप बेहतर तरह से कर पाएंगे, हो गया। मान लो कि आपके पास कुछ अच्छा नॉलेज है तो आपको करियर में लोगों को सिखाना पड़ सकता है, ओके लोगों को सिखाना पड़ सकता है, जॉब है तो लोगों को प्रेजेंटेशन देना पड़ सकता है, ओके तो ये चीज है ध्यान रखिए करियर में। स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं तो ये देखिए यहाँ पर ब्लैक और व्हाइट दोनों कलर है, तो आपके भीतर की जो यिन और यांग एनर्जी है दोनों को इस साल बैलेंस में रखना आवश्यक है। इसको बैलेंस में आप कैसे रखेंगे, तो अनुलोम विलोम प्राणायाम आपको पता है, पता चल गया इसमें क्या होता है। अब ज्यादातर अगर आप इंडिया में हैं कहीं ना कहीं किसी को पता ही होता है अनुलोम विलोम प्राणायाम क्या है, ओके अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से आपके भीतर की जो मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी है, जो यिन और यांग है, उसको आप बैलेंस कर पाएंगे, ओके तो वो करना जरूरी है बिकॉज इस साल आपका यिन और यांग बैलेंस रहना आवश्यक है, ओके यिन और यांग बैलेंस हो जाए उसके बाद आप अच्छे से अपने आप को बैलेंस रख पाएंगे, ठीक है। तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए सालाना रीडिंग, आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक बटन जरूर क्लिक कीजिए, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा, और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से, तब तक के लिए कीप फॉलोइंग द पाथ ऑफ योर सोल्स पर्पस बिकॉज यू आर बॉर्न फॉर अ रीजन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय। मेरी चैनल से सब्सक्राइब्ड रहे, सब्सक्राइब बटन क्लिक करके और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, उसके बाद जो ऑप्शन आपको मिलता है उसमें से ऑल नोटिफिकेशंस सिलेक्ट कीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।